नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल टेक्नोडिंग हब में। आज आपको मैं मिलकर काफी सारी बातें करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कुछ लेटेस्ट रिसर्च और उनके फैक्ट्स, जिसे सुन के आप भी गारंटेड बोलेंगे वाह क्या बात है। चलिए दोस्तों चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हम रितेश कुमार चौधरी, ऑनर ऑफ टेक्नोडिंग हब। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज काफी सारी बातें करेंगे, ब्रेकिंग न्यूज बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहली न्यूज आ रही है, टॉप ब्रेकिंग न्यूज आ रही है सोडा लवर्स के लिए। जो भी लोग डाइट सोडा पीते हैं भाई मत पियो, क्योंकि उसके बारे में एक स्टडी हुई है कि जो भी डाइट सोडा ज्यादा पीते हैं, लाइक 3 बार पी लिया एक दिन में या इससे भी ज्यादा पीते हैं, तो उन्हें स्ट्रोक और डिमेंटिया, ये दोनों बीमारियां ये हो सकती है। सबसे बड़ी स्ट्रोक की प्रॉब्लम होती है दोस्तों, स्ट्रोक में आपको बता दो पैरालाइज कंडीशन होते हैं, जिसमें हमारे ब्रेन के सेल्स डेड हो जाते हैं, हम कोमा में चले जाते हैं। ये कि स्ट्रोक की कंडीशन, अगर आप डाइट सोडा ज्यादा पीते हो तो ये आपको हो सकता है, कि स्टडी में सामने आया है। और जो लोग जूस ज्यादा पीते हैं, जो लोग सोडा ज्यादा पीते हैं, जो लोग मतलब शुगर जिस चीज में ज्यादा होता है वो पीते हैं, तो उनकी मेमोरी वीक होती जाती है टाइम के अकॉर्डिंग, ये भी एक स्टडी में बताया गया है। सेकेंड काफी अजीब न्यूज है, मतलब ब्रेकिंग तो कह रहा है ही, उसके साथ साथ अजीब भी है कि मोल रैट्स, तो आपने सुने ही होंगे, रैट की प्रजाति होती है मोल रैट्स, वो बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकते हैं। वाओ मिरेकल, बिना ऑक्सीजन के जिंदा। दोस्तों हम जो ह्यूमन बीइंग होते हैं, अगर उन्हें 10% ऑक्सीजन मिले तो मर जाएंगे हम, 10% से हमें ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है ताकि हम जी सके। ऐसी 3 तरह के एक्सपेरिमेंट किए गए मॉल रैट्स के ऊपर। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में उसे 5% ऑक्सीजन दी गई, सिर्फ 5% ऑक्सीजन, जिसमें उसने सर्वाइव किया। ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट किया जाता है दोस्तों, एक छोटे से लाइक हम कह सकते हैं एक छोटा सा पूरा कवर, एक ग्लोब टाइप होता है जिसमें मोल रैट को रखा जाता है, उसमें ऐसा 5% ऑक्सीजन दी जाती है, एनवायरमेंट पूरा उसका क्रिएट किया जाता है, उसमें भी उस मोल रैट ने सर्वाइव कर लिया। सेकेंड कंडीशन में 0% ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का नामो निशान नहीं, उस कंडीशन में मोल रैट हल्के हल्के स्लीपिंग कंडीशन में जाता गया। ऐसे वो 18 मिनट रह सकता है, 18 मिनट, 18 मिनट आराम से रह सकता है। इसके बाद जैसी ऑक्सीजन दोबारा दी गई तो वो नॉर्मल हो गया, वो उठ गया एकदम से। दोस्तों इसके लिए जो साइंटिस्ट ने रीजन दिया, आखिर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनकी बॉडी में 2 तरह के सिस्टम होते हैं उनकी बॉडी को एनर्जी देने के लिए। सबसे पहला होता है ग्लूकोज बेस्ड मेटाबॉलिक सिस्टम। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए, एनर्जी लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। सेकेंड होता है फ्रक्टोज बेस्ड मेटाबॉलिज्म सिस्टम, मतलब फ्रक्टोज को ग्लूकोज की जरूरत, या सॉरी फ्रक्टोज को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती एज कंपेयर टू ग्लूकोज। इसलिए जैसे ऑक्सीजन मिलना बंद होता है उनकी बॉडी को, तो ग्लूकोज वाला जो सिस्टम उनकी बॉडी में एक्टिव होता है उसे वो हटा के फ्रक्टोज वाले सिस्टम पे एक कनेक्ट कर लेते हैं। ये मैं आपको अगर बिल्कुल प्योर लैंग्वेज में बताऊं तो मैं आपको ऐसे समझा सकता हूँ। वाह यार कितना अच्छी बात है। चलो दोस्तों अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ चलते हैं। और हाँ यार, अगर सो रहे हो, सुबह का टाइम है, अगर सो रहे हो तो जाग जाओ, ये ब्रेकिंग न्यूज काफी अच्छी है। अगर आपके घर वाले आपको डांटते हैं या आपको सुनाते हैं इतनी चॉकलेट, इतनी चिप्स, इतने स्नैक्स, इतने बर्गर, इतने पिज्जा, इतने जंक फूड क्यों खाता है, क्यों तेरे को अच्छा लगता है, तू पागल हो गया, तेरी डाइट, तबीयत खराब हो जाएगी, तो सीधा बोलना भाई मेरी दिक्कत नहीं है, आपकी दिक्कत है, आपकी वजह से मैं खाता हूँ। सही सुना आपने, एक स्टडी में सामने आया कि जिन बच्चों को ऐसी चीजें पसंद होती है ये उनकी गलती नहीं होती, उनके डीएनए की प्रॉब्लम होती है। मतलब आपके डीएनए में, आपके जीन्स में, आपके पेरेंट्स से आपको जो चीज मिले आप वही चीज कर रहे हो। आप बोल सकते हो अपने पेरेंट्स को, भाई आपकी वजह से मैं ये सब चीज खाता हूँ मम्मी, आपकी वजह से मुझे सब चीज अच्छी लगती है, मैं खुद नहीं खाना चाहता। एक स्टडी में सामने है कि स्टडी की गई थी। अगली न्यूज आ रही है हमारी मीट लवर्स के लिए। जितने भी मीट लवर्स है, मतलब नॉन वेज जो ज्यादा खाते हैं, तो उनके लिए बैड न्यूज है दोस्तों। अगर आप एनिमल प्रोटीन ज्यादा लेंगे अपनी बॉडी में तो आपको कई तरह की सीरियस बीमारी हो सकते हैं, एट लास्ट कैंसर भी हो सकता है, क्योंकि आपकी बॉडी में फैट बढ़ता जाएगा, स्टमक पे फैट, आपका जो एक हमारा लीवर होता है उसके अराउंड फैट बढ़ता जाएगा और आपको कैंसर तक हो सकता है, ये भी एक रिसर्च में सामने आया है। चलिए दोस्तों अगली अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। गुड न्यूज है सबके लिए, एक नई इन्वेंशन की गई है। आप सब 3D प्रिंटर को तो जानते ही होंगे। 3D प्रिंटर वो होता है जो कि 3D इमेज बनाता है, 3D मॉडल बनाता है, सॉरी किसी भी 2G इमेज का। इसका मतलब क्या होता है, आपने नॉर्मल प्रिंटर देखा है, उसमें से क्या होता है, फोटोस्टेट मशीन का एग्जाम्पल लेके हम चलते हैं।
अगर आपने पेपर रखा, प्रिंट का बटन दबाया, तो वहां से एक पेपर निकल के आता जो कि उसके जैसा होता है, ठीक है, उसकी इमेज प्रिंट होती है। लेकिन 3D प्रिंटर वो चीज, आपने सिंपल इमेज डाली और इमेज बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में, बिल्कुल उस फॉर्म में आएगी जिसे आप हाथ में उठा के देख सकते हो, मॉडल के रूप में आएगी। अब 3D प्रिंटर से हमारे स्किन के सेल्स, स्किन भी प्रिंट हो सकती है। ये उन लोगों के लिए काफी अच्छी न्यूज है जो कि जिनको स्किन बर्निंग की प्रॉब्लम हुई थी या जिनकी स्किन जल गई थी या कोई भी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था, दुखद इंसिडेंट, जिससे उनकी स्किन पे इफेक्ट पड़ा था। ये उन सब के लिए काफी अच्छी न्यूज है क्योंकि अब साइंटिस्टों ने ऐसी स्किन इन्वेंट कर दी है 3D प्रिंटर के थ्रू उनके स्किन सेल्स को लेके। मतलब लाइक अगर वो स्किन हम यहाँ पे लगाते हैं अपनी बर्निंग स्किन पे, तो ऑटोमेटिकली बाकी की जो अराउंड स्किन होगी ना उसे अटैच हो जाएगी, तो मतलब पता भी नहीं लगेगा कि कुछ बर्न भी हुआ था। काफी अच्छी न्यूज है दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरी ये धमाकेदार न्यूज अच्छी लगी होगी। ऐसी लेटेस्ट रिसर्च और न्यूज के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और हाँ पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना ताकि जो जो आज मैंने अच्छी न्यूज बताई सबके पास पहुंच जाए और सबको पता चले भाई आखिर इतनी रिसर्च हो रही है हमारे आसपास। और आरके स्टाइल में सुनने के लिए तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, और हाँ मेरा फेसबुक का पेज है टेक्नोलॉजी हब के नाम से, उसे भी लाइक करना, वरना देखो आप सारी चीजें मिस कर दोगे। और हाँ मेरी दो वीडियो है, तो ये वाली और एक ये वाली, इन दोनों को देखो, एंजॉय करो और इस चैनल को लाइक करो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, बाय।